ਤਾਂ ਚੱਲ ਆ ਗੋਬਿੰਦਾ ਫੁੱਲ ਬਣਾ ਦੇ भाई। इतनी तैयारी इसलिए हो रही है क्योंकि आज हम जा रहे हैं एक रिसेप्शन में, मेरा दोस्त है नितिन पूर्ति, हम लोग साथ में एक साथ जॉब करते थे, फाइनली उसका शादी हो गई है लॉकडाउन में, तो अब फाइनली अब रिसेप्शन जो है आज उसका रखा हुआ है, तो रिसेप्शन पे हम लोग जा रहे हैं और सोनी बिल्कुल तैयार है फुल टूस तरीके से। हैं सुबह दोपहर तक तो मुझे हो रहा था फीवर, कल का आपको पता ही कि मैंने वैक्सीन लगवाई थी, लेकिन अब हाथ तो कर रहा है लेकिन अभी फीवर नहीं है, तो मुझे पहले से बेटर फील कर रही हूँ, अब मैंने तैयारी कर ली है। स्पेशल फरमाइश थी जरूर लेके आना भाभी को साथ में, इसलिए चलो चलते हैं यार। फाइनली 1 घंटा 5 मिनट के बाद हम पहुंच गए हैं अपनी लोकेशन पर। 1 घंटा 5 मिनट इसलिए क्योंकि हमारे घर से यहां तक का डिस्टेंस था 29 किलोमीटर, और दिल्ली की सड़कों पर तो आपको पता ही है रेड लाइट वगैरह सब कुछ क्रॉस करने के बाद तब यहां हम पहुंचे। अंदर आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ की डेकोरेशन, और अगर आपको मेरा पूरा रिसेप्शन यहाँ का देखना है तो आप मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको देखने मेरे सारे फ़ोटो तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी सोनी तोमर के नाम से है, उस पर जाकर आप देख सकते हैं मेरे सारे फ़ोटोज़ भी। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो फ्लावर्स हैं ये ओरिजिनल फ्लावर्स हैं, और यहाँ मैं वीडियो बना रही थी चारों तरफ की, और साइड में तोमर साहब जी बना रहे थे मेरी भी वीडियो, यहाँ हमने एक दूसरे की वीडियो बनाई हुई है। रिसेप्शन पे, और यहीं पर अभी बहुत कम मेंबर्स दिखाई दे रहे हैं, तो अभी धीरे धीरे सब लोग इकट्ठा होने वाले हैं और मैं बाकी अभी पूरी वीडियो आपको बनाकर दिखाती रहूँगी बीच बीच में। सोनी पहले से क्या किसी को पीना है तो आ सकते हैं पार्टी में, आवाज़ नहीं आती ऐसे तो बाद में आएगी। काफ़ी वेट करने के बाद फाइनली कपल पहुंच गए हैं अपनी स्टेज पर, अब यहां पर फोटो सेशन होने वाला है। ये मेरी प्लेट है और ये मैडम की प्लेट है, अब खुद अपने आप अंदाजा लगा लो क्या हो रहा है यहाँ पे। आप हमारे दोनों की प्लेट देख सकते हैं, हस्बैंड ने खाया ये सारा खाना क्योंकि इन्होंने स्टार्टर में बहुत कम कुछ खाया था, हल्का फुल्का सही खाया था,
और साथ में ही मेरी प्लेट में लिमिटेड खाना है क्योंकि मैंने स्टार्टर में थोड़ा हैवी खा लिया था तो अभी इतना ही खा सकती थी। इसको कहते हैं सबसे ज़्यादा कंजूसी करना, हेल्थ को लेकर कॉन्शियस नहीं है, खाने को लेकर कॉन्शियस हो रखी है लड़की। और यहाँ आ जाते हम अपने डिज़र्ट पर। हस्बैंड ने खाया एक रसगुल्ला और मैंने खाया इमरती के साथ रबड़ी, और वो खाकर जो तृप्ति हुई है ना मेरी, बस पूछो ही मत। और हस्बैंड को भी देख लीजिए क्या मज़े लेकर खाया जा रहा है, देखो। रसगुल्ले में अगर बाथरू हो जाए तो बड़ा पसंदीदा। इसके बाद मैंने एक फ़ोटो लगा दिया है और नेक्स्ट स्टेप है डांस का, फिर उसके बाद हो जाता है डांस स्टार्ट। आप अब पूरा डांस यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। आपको ये कपल डांस कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे डांस तो आगे अभी पता नहीं कितनी रात तक चलने वाला था, लेकिन हम अभी ये डांस देखकर हम निकल जाते हैं घर के लिए क्योंकि काफ़ी देर नाइट हो गई थी और हम दोनों को नेक्स्ट डे जाना था ऑफिस। चलो जी आप अपनी गाड़ी की तरफ चलो, क्या कर सकते हैं।
के बाद फीवर हो रहा है कोवैक्सीन लगने के बाद भी, जिसमें हस्बैंड को कोवैक्सीन से फीवर नहीं हुआ था, तो मुझे भी लग रहा था कि शायद मुझे भी नहीं होगा, लेकिन मेरे साथ तो गड़बड़ी हो गई, मुझे फीवर हो रहा है। और आज सैटरडे को लगा था, कल संडे भी फीवर हुआ, आज मंडे है, आज भी मुझे फीवर नहीं दिख रहा है क्या, अभी भी मुझे फीवर है। अब मुझे फीवर की फिर से दवाई लेनी पड़ेगी, मैं कंटिन्यू दवाई ले रही हूँ लेकिन अभी फीवर उतर ही नहीं रहा है। मतलब दवाई लो तो उतर जाता है, फिर अपने आप हो जाता है 12 घंटे के 10 घंटे के आसपास फिर से हो जाता है। अभी ठीक होना है, शायद कल तक ठीक हो जाए, 3 दिन का तो होता है ना कि 3 दिन तक कंटिन्यू फीवर हो ही जाता है। तो चलो ये तो चेक कर लिया, अब मैं दवाई लेती हूँ पैरासीटामोल। वहाँ पे भी यही, सबसे पहले जाने के बाद यही बोला था वैक्सीनेशन से पहले कि आपको बॉडी हैक और सिर में दर्द वगैरह ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो बस आपको एक ही टैबलेट लेनी है, वो भी पैरासीटामोल, अदरवाइज़ कोई टैबलेट नहीं लेनी है, वही मैं ले रही हूँ।